असलम स्टूडेंट्स क्या आपको पता है देर इज़ एन आल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़ राइट लाइवलीहुड प्राइज़ यह एक ऐसा प्राइज़ है जिसको नोबेल प्राइज़ का आल्टरनेटिव कहा जाता है और ये सोशल एंटरप्रन्यर्स को दिया जाता है राइट लाइवलीहुड प्राइज जो है वो श्वेब फाउंडेशन ने शुरू किया और जो पहला 2003 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड था वो एक मिस्री सोशल एंटरप्रेन्योर को मिला था इब्राहिम अबुलाइश। पिछले मॉड्यूल में हमने ग्रीन वर्क्स की केस स्टडी का जिक्र किया एक मॉडल के तौर पे, जहां ट्रिपल बॉटम लाइन को मेंटेन करने के साथ साथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है उसको फोकस किया जा सकता है लेकिन आपने सोचा होगा यूके एक डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे लीगल फाइनेंशियल रेजीम इस तरह के हैं कि इस किस्म का कोई काम जो है वो किया जा सकता है और अमूमन आपने नोट किया होगा कि सस्टेनेबल एनवायरमेंटल ग्रीन या एक्ोपन्योर की जो एग्जांपल्स होती हैं वो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री से ही आती हैं ऐसे में आ, मुझे आ, एहसास हुआ कि आपको बतौर पोटेंशियल सोशल एंटरप्रेन्योर कन्विंस करने के लिए एक क्लोज़र टू होम एग्जांपल की ज़रूरत है कि ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ जहाँ पे कवनिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनवायरनमेंट एजुकेशन हर चीज़ जो है वो कंड्यूसिव है सिर्फ वहाँ पर ही ये नहीं हो सकता बल्कि हमारे जैसे मुल्कों में पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जैसा कि मिस्र है वहां भी ये मॉडल जो है वो अप्लाई हो सकता है इस मॉडल को मिस्र में इब्राहिम अबुलइश नामी एक सोशल एंटरप्रेन्योर ने अप्लाई किया और यह कोई बहुत सोची समझी इंटरवेंशन नहीं थी इब्राहिम अबुलश ऑस्ट्रेलिया में मूव कर गए थे जैसे आजकल बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि सोशल इकनॉमिक एनवायरमेंटल हर तरह के क्राइसिस जो हैं वो हमें घेरे हुए हैं इब्राहिम अबुलाइश कॉरपोरेट सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने कोई 20-25 साल ऑस्ट्रेलिया में काम किया वहीं पे फैमिली बनाई रेज़ किया बच्चों को और कोई 1975 में कोई 20-25 साल के बाद उन्हें ख़्याल आया कि वो अपनी बीवी और बच्चों को मिस्र की सैर कराने ले जाएं, उन्हें दिखाएं कि मिस्र कितना खूबसूरत है वहाँ पर मिस्र मैं डेजर्ट कैसा लगता है नील कैसा लगता है वो एक टूरिज्म के लिए अपने होम कंट्री एक नोस्टेलजिया के साथ वापस आए बट इट वॉज नॉट दैट प्लेजेंट टूरिज्म ट्रिप हर तरफ पॉवर्टी थी इंस्टीट्यूशंस का ब्रेक डाउन डैमेजेस बेशुमार हो रहे थे हती के अहराम मिस्र जो एक लैंडमार्क हैं मिस्र का वो भी इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन की वजह से इम्पेक्ट हो रहे थे इब्राहिम लाइश को लगा कि उनको इस बारे में कुछ करना चाहिए जो उनके मुल्क ने उनको दिया है उनकी कौम ने उनको दिया है उसको शायद लौटाने का वक्त आ गया है ओन वर्ड्स वो बहुत क्लियर नहीं थे कि वो क्या करेंगे एक जगह पे उन्होंने कहा जब खास तौर पर उन्होंने अपना प्राइस एक्सेप्ट किया तो उन्होंने कहा मेरे जहन में था मिस्र का एक सहरा का टुकड़ा जिसको मैं किसी ऐसे इस्तेमाल में लाऊं, जिससे ना सिर्फ़ हमारी सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी कायम रहे बल्कि उससे मिस्र की एनवायरनमेंट बेहतर हो मिस्र के पुअर को ख़ुराक मिल सके उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके और साथ साथ ज़ाहिर है मेरे पास लिमिटेड फंड्स हैं मैं वो ज़ाया भी नहीं करना चाहता मुझे ये भी एहसास है कि मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे लोग मुझे पागल समझें एंड एक्चुअली पीपल कॉल्ड हिम क्रेज़ी लोगों ने इब्राहिम अबूलाइश को शुरू में क्रेज़ी कहा क्योंकि उन्होंने जब सिक्कम नाम की ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कराई तो उनके पास जो कोई उनको अपने रिटायरमेंट फंड से पैसे मिले थे उनसे ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीदा मिस्र के जो काहिरा के नवाही इलाकों में जो कि बहुत ही पुअर इलाके थे ये एक पीस ऑफ डेजर्ट था बाकायदा सहरा का एक टुकड़ा था जिसको इब्राहिम अबलश ने लिया और उस पर उन्होंने अपनी जो उनकी बैकग्राउंड थी कॉर्पोरेट सेक्टर की और जो अपने कॉन्टेक्ट्स थे उनको यूज़ करते हुए उसमें एग्रीकल्चर शुरू किया दिस इज क्रेजी कि आप सहरा में जहाँ पे सदियों से कभी कुछ नहीं पैदा हुआ वहाँ पर आप अपने लिमिटेड रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए एग्रीकल्चर करने की कोशिश कर रहे हैं इब्राहिम अबुलाइश ने आ, जो एग्रीकल्चर है उसको टोटली बायो एग्रीकल्चर या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर रखा वो जो बहुत कम मकदार में पानी मैसर था सहरा में उसको बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया कौन सी फसल कम पानी के साथ बेहतर यील्ड देगी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और फिर उसको किस तरह से ज़मीन के मुख्तलिफ टुकड़ों को काश्त करना है उसमें काउड टंक इस्तेमाल करना है कोई खाद कोई केमिकल कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना ताकि जो ऑलरेडी एक डैमेज इन्वायरमेंट है उसमें फ़र्दर डैमेज ना हो बल्कि उसको बेहतर बनाया जा सके उसको रिच किया जा सके ग्रैचुअली अब्राहम अबुलश स्टार्ट फाइंडिंग सक्सेस वो जो अकेले उन्होंने काम शुरू किया था जिस पे लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि सहरा में कभी कुछ नहीं उगा तो अब तुम कैसे उगाओगे वहाँ ना सिर्फ फ़सलें उगना शुरू हुई बल्कि उनका एक डेयरी फार्म उन्होंने साथ स्टार्ट किया जहाँ से काव डंग आता था जो कि मनोर के तौर पे यूज़ होता था लोगों को एम्प्लॉय किया जो उनको हेल्प करते थे और ना सिर्फ एम्प्लॉय किया बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की कि आप भी ये काम करें और जब आहिस्ता आहिस्ता ये फार्मिंग और डेरी फार्मिंग सस्टेनेबल होना शुरू हो गई फाइनेंशली वायबल हो गई तो उन्होंने साथ हेल्थ एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योरशिप ये सारी ट्रेनिंग्स वो कम्युनिटीज़ जो एम्प्लॉज़ उनके साथ काम करते थे या इर्द गिर्द जो पुअर कम्युनिटीज़ थी उनको ऑफर करना शुरू कर दी आज अगर आप सक्कम नामी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके एरिया में जाएं तो आपको यकीन नहीं आएगा कि 25-30 साल पहले ये जगह सहरा थी वो बेहतरीन ख़ूबसूरत फार्म्स हैं जहाँ पर टोटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के ज़रिए से एग्रीकल्चर किया जाता है ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक क्रॉप्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं ये ना सिर्फ सस्टेनेबल हैं वो अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं और उस प्रॉफिट को वो मिस्र की सोशल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मिस्र के पुअर को बेहतर बनाने के लिए उनकी ज़िंदगी को खर्च करते हैं थ्रू हेल्थ थ्रू एजुकेशन स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं हस्पताल हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के इदारे हैं और लोगों को एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग जो है वो फ़राम की जा रही है जब इब्राहिम अबूलाइश ने यह मॉडल सबमिट किया राइट लाइवलीहुड प्राइस के लिए तो कमेटी ने एक्चुअली जो उस पर कमेंट किया मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स को असेस करते हुए कमेटी ने कहा कि हमें लगता है कि ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का मॉडल बिजनेस मॉडल है तमाम दुनिया को जहाँ कहीं जो कोई काम कर रहा है बिज़नेस कर रहा है या सोशल एंटरप्राइज कर रहा है उसको इस मॉडल को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि इंसानियत की इस प्लेनेट की बका इस चीज़ में है कि जो भी काम किया जाए वो ना सिर्फ सोशली और फाइनेंशली वायबल हो बल्कि वो एनवायरनमेंट को इस ग्लोबल जो ये प्लानेट है उसको इस हालत में छोड़े कि आइंदा जनरेशन भी उसको इस्तेमाल कर सकें थैंक यू